दिन बीत गए, पखवाड़ा बीत गया और महीना भी बीत गया। न तो मेंटेनेंस शुरू हुआ है, न ही नलों में पानी आ रहा है। ये हाल है बालाघाट में जल निगम की सामूहिक जल प्रदाय योजना का, कंपनी की घोर लापरवाही का और प्रशासन की कमजोरी का। समस्या एक नहीं है, समस्या और भी है, लेकिन बड़ी समस्या ये है कि कंपनी के द्वारा इस समस्या का समाधान ही नहीं किया जा रहा है। बहरहाल बारिश के इस सीजन में लोग पानी पानी के लिए मोहताज है, कर्मचारियों को वेतन के लाले पड़े हैं और सरकार की सामूहिक जल प्रदाय योजना दम तोड़ रही है। कलेक्टर में जनसुनवाई में गए थे, जब ये कार्रवाई हुई कि हमारी 9125 रुपये पेमेंट हुई, उसके बाद हमको बोला गया था कि हर 6 महीने में आपकी पेमेंट बढ़ेगी और हर 6 महीने में आपका इंक्रीमेंट होगा, एरियस बोनस और PF मिलेगा। ये श्रम विभाग से लिखित में आया था और हमने साइन भी किए थे और सब लोगों की, कंपनी के भी सभी कर्मचारी की साइन थी ना। वो कार्रवाई अभी तक हुई है, श्रम विभाग में फिर से हमने कंप्लेंट की, कोई कार्रवाई नहीं हुई। CM हेल्पलाइन पे भी कंप्लेंट की, कोई कार्रवाई नहीं की है। ये तस्वीरें जल निगम के भटेरा वाटर प्लांट की है। तस्वीरें महीने भर पुरानी है, लेकिन प्रासंगिकता अब भी उतनी ही है जितनी की बाढ़ के समय देखने मिली थी। कहने का मतलब ये है कि बाढ़ का पानी उतर चुका है, महीना गुजर चुका है, फिर कार्य शुरू करने में दिक्कत क्या है? क्या ये लापरवाही नहीं है? दरअसल सवाल पीने के पानी का है, सवाल कर्मचारियों की सैलरी का है और सवाल पानी सप्लाई से जुड़े उन 18 गांवों का भी है, जहां 1 महीने से लोग नलों में पानी आने का इंतज़ार कर रहे हैं। यही वो समस्या है जिसके लिए आज 15 पंचायतों के सरपंच वाटर प्लांट पहुंचे हैं। न केवल सरपंच है बल्कि पूर्व जनपद अध्यक्ष उमेद लिल्हारे भी इनके साथ है, जो कर्मचारियों के हितों की बात कर रहे हैं, रेयान वाटर टेक कंपनी से सवाल कर रहे हैं और जल निगम की मंशा पर सवाल भी उठा रहे हैं। आज की मुख्य समस्या ये है कि महीना भर हो गया पानी नहीं मिल रहा है प्लांट डूबने के कारण। जितने 17-18 गांव हैं किसी को पानी नहीं मिल रहा है, वो मुख्य समस्या को लेकर पूरे सरपंच, आसपास के जिन जिन पंचायतों को पानी मिलता है वो इसलिए आए हुए थे। दूसरी बात कि मेरा आपके माध्यम से अभी भी मैंने सिवनी में एक मैडम है कोई सरकारी, उनसे बात की फ़ोन पर, तो उनसे यही कहा कि ये तो हर साल प्लांट डूब जाता है, जब से बना तब से 3-4 बार डूब गया और हर बार महीना भर पानी देने के लिए लगता है पब्लिक को, फिर आप करते क्या, व्यवस्था क्या है आपके पास? बाढ़ आती उसके बाद आप व्यवस्था ढूंढते हो कि हमको बाढ़ में से निकालना कैसे है, पहले से व्यवस्था क्यों नहीं करते? तो उनने कहा है अभी कि हम 11 तारीख को हम आते हैं और फिर बैठ के पूरी समस्या का समाधान करेंगे। दूसरी बात, यहाँ के जितने कर्मचारी हैं जो बेचारे 2018-19 से काम कर रहे हैं, जिनको ये कहा जाता है कि सरकार के रेट पर, कलेक्टेड के रेट पर आप लोगों को पैसा मिलता है, लेकिन यहाँ किसी को 5,000 मिलती है, किसी को 6,000 मिलती है, किसी को 9,000 मिलती है, तो कलेक्टर रेट पर पैसा नहीं मिलता। और दूसरी बात, 3 महीना हो गया इन कर्मचारियों को, जो गरीब है बेचारे, जिनके पास अगर कोई धंधा खेती बाड़ी होती तो यहाँ आके काम नहीं करते, उनको 3 महीने से पैसा नहीं मिला, तनख्वाह नहीं मिली। ठेकेदार अपनी मनमानी चला रहा है, यहाँ पे सरकार के लोग बैठे हुए हैं सरकारी जल निगम के, उनका कहना रहता है हमारा इनसे कोई मतलब नहीं है, ठेकेदार जाने, ठेकेदार का कहता है हमारे से कोई मतलब नहीं, वो लोग जाने। यहाँ सरपंचों को भी ऐसा बना दिया गया कि सरपंच तो बिल्कुल नाम के हैं इनके लिए, सरपंचों की सुनवाई नहीं करना इनको, इनको हम ब्यौरा मांग रहे हैं कि हमारी पंचायतों से आपने जितना पैसा लिया है उसमें से हमारा कितना कर बसता है, उतना हमको वापस करो, वो तक बताने तैयार नहीं है। अब बात कर लेते हैं जल निगम की। ये निगम के असिस्टेंट इंजीनियर नेमी चंद सनोरिया है, यहाँ की तकनीकी व्यवस्था देख रहे हैं, 2 दिनों में सुधार होने का भरोसा दिला रहे हैं, बाढ़ को समस्या की मुख्य वजह बता रहे हैं, जल्द ही पानी सप्लाई शुरू होने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन काम में हुई देरी का, बंद पड़ी सप्लाई का फिलहाल कोई जवाब नहीं है। बाढ़ जब से आई हुई थी तब से फ्लड आने के कारण क्या पूरी मशीनरी हमारी डूब में चली गई थी। अब मशीनरी को निकाल के सफाई कराने में जो समय लग गया उसके बावजूद हम लोग आपको 3 से 4 दिन के अंदर में पानी पहुंचा देंगे। जो सरपंच आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे काम करने वाले कर्मचारियों को पैसा नहीं मिल रहा है, सर ये प्लांट सरपंचों का जो आरोप है उस कुछ हद तक सत्य है, पर वो मैनेजमेंट का मतलब रेयान वाटर टैंक की तरफ है, वो अपना नहीं है। वो तो आपके अंडर में ही काम करते होंगे सर, उसमें हम लोग इन्वॉल्व हैं, पर हम लोगों को बिलिंग इन्वॉल्व रहता है पर मैनेजमेंट उनका रहता है।